बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें चार लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं, उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ चार लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टिकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण। आनंद बर्मन मर गया उसका भी हमें दुख है और बाकी जो चार लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है, वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो चार लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि चार युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है, जो पांचवा युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दें, उसकी भी बात करें और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगें।